आप सभी का स्वागत है नेशनल कैडेट कोर सीरीज की एक नई वीडियो में। एनसीसी सीरीज की सभी वीडियोस के लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आज की वीडियो में हम एनसीसी कैडेट्स को मिलने वाली सभी रैंक्स को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। कैडेट और सीडीटी, एनसीसी ज्वाइन करने वाले सभी न्यू कैंडिडेट्स को कैडेट्स बोला जाता है और इनका कोई इंसिग्निया नहीं होता है। इसके बाद जो रैंक आता है उसका नाम है लांस कॉर्पोरल, ऑल्सो नोन एज LCPL। लांस कॉर्पोरल के राइट स्लीव पर ब्लैक और रेड कलर का सिंगल शेवरन मौजूद होता है। शेवरन दरअसल वी शेप्ड मार्क होता है जो वर्ल्ड वाइड मिलिट्री और पुलिस यूनिफॉर्म्स पर पर्सनल की रैंक या सर्विस लेंथ को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। जहां इंडिया में शेवरन वी शेप्ड मार्क होता है, वही काफी सारी कंट्रीज में ये शेवरन इन्वर्टेड वी शेप में यूज किया जाता है। इंडिया में शेवरन टर्म का इस्तेमाल कॉमन नहीं है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि लांस कॉर्पोरल के राइट स्लीव पर एक रेड और ब्लैक कलर की स्ट्रिप या पट्टी होती है। लांस कॉर्पोरल रैंक पर प्रमोट होने के लिए कैडेट को एनसीसी में 3 मंथ्स की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के साथ ही उसने ड्रिल, मैप रीडिंग और फील्ड क्राफ्ट टेस्ट भी क्लियर किया होना चाहिए। इसके साथ ही कैडेट की परेड में मिनिमम 75% अटेंडेंस होना भी मैंडेटरी है। नेक्स्ट रैंक है कॉर्पोरल, ऑल्सो नोन एज CPL। कॉर्पोरल्स के राइट स्लीव पर रेड और ब्लैक कलर के 2 शेवरन होते हैं। कॉर्पोरल रैंक पर प्रमोट होने के लिए किसी भी लांस कॉर्पोरल को मिनिमम 6 मंथ्स तक अपनी करंट रैंक पर सर्व करना होगा और इसके साथ ही उसे वेपन ट्रेनिंग टेस्ट भी पास करना होगा। नेक्स्ट रैंक है साजेंट, ऑल्सो नोन एज SGT। साजेंट के राइट स्लीव पर रेड और ब्लैक कलर के 3 शेवरन मौजूद होते हैं। साजेंट रैंक पर प्रमोट होने के लिए किसी भी कॉर्पोरल को मिनिमम 6 मंथ्स तक अपनी करंट रैंक पर सर्व करना होगा और इसके साथ ही उसे एनसीसी में सेकंड ईयर में होना चाहिए। इसके बाद जो रैंक आती है उसका नाम है कंपनी क्वार्टर मास्टर साजेंट, जिसे CQMS भी बोलते हैं। कंपनी क्वार्टर मास्टर साजेंट के राइट स्लीव पर रेड और ब्लैक कलर के 3 शेवरन के साथ राष्ट्रीय चिन्ह भी मौजूद होता है। इस रैंक पर प्रमोट होने की रिक्वायरमेंट और कंडीशन एग्जैक्टली साजेंट रैंक की तरह ही है। नेक्स्ट रैंक है JUO, यानी जूनियर अंडर ऑफिसर। सभी जूनियर अंडर ऑफिसर के शोल्डर पर एक ब्लैक कलर की स्ट्राइप होती है। इस रैंक पर प्रमोट होने के लिए कैडेट को साजेंट रैंक पर एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए सर्व करना होगा और इसके साथ ही साजेंट के पास बी सर्टिफिकेट होना भी मैंडेटरी है। नेक्स्ट रैंक है SUO, यानी सीनियर अंडर ऑफिसर, और ये रैंक किसी भी एनसीसी कैडेट को मिलने वाली हाईएस्ट रैंक है। इस रैंक पर प्रमोट होने के लिए कैडेट को जूनियर अंडर ऑफिसर रैंक पर एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए सर्व करना होगा और इसके साथ ही इस रैंक पर प्रमोट होने के लिए सभी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होना जरूरी है। इसके अलावा एनसीसी में आपने गोल्डन रैंक्स के बारे में भी सुना होगा, जैसे गोल्डन SUO, गोल्डन JUO, गोल्डन सार्जेंट एक्सेट्रा। दरअसल ये गोल्डन रैंक उन सभी कैडेट्स को दी जाती है जिन्होंने अपने डायरेक्टरेट को इंटरनेशनल लेवल जैसे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम या नेशनल लेवल कैंप्स जैसे RDC, ऑल इंडिया थल सैनिक या सिंपल थल सैनिक कैंप में रिप्रेजेंट किया हो। अब हमने जो ये रैंक्स देखी है, ये एनसीसी की आर्मी विंग की रैंक्स हैं और एयरफोर्स और नेवी विंग में भी इनके इक्विवेलेंट रैंक्स होती है, जिसके नॉमेनक्लेचर में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये थी एनसीसी कैडेट को मिलने वाली सभी रैंक्स। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।